खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कानवन में पौधारोपण किया गया। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य हेमंत व्यास के साथ सभी स्टाफ द्वारा स्कूल में स्वच्छता का कार्य करते हुए वृक्षारोपण किया गया। श्री व्यास ने बताया कि आज मयंक गोस्वामी का जन्मदिवस भी है और ये देखते हुए हमारे विद्यालय में वृक्षारोपण किया है। हमारे विद्यालय में पूरा स्टाफ ये प्रयास करता है कि शाला परिसर में किसी भी प्रयोजन में वृक्षारोपण करे। हमारे विद्यालय में अभी विद्यालय प्रारंभ हुए हैं, लॉकडाउन के पश्चात यहाँ विद्यालय में गतिविधियाँ प्रारंभ की जा रही है। उसके अंतर्गत यहाँ सर्वप्रथम आकर के हमने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत समस्त विद्यालय परिसर की स्वच्छता को ध्यान देते हुए यहाँ पर साफ सफाई की गई प्रांगण में, और उसके पश्चात यहाँ आज वृक्षारोपण किया गया। हमारे यहाँ पर एक परिपाटी है कि यदि किसी भी हमारे यहाँ के शिक्षक का जन्मदिन होता है या हमारे यहाँ बच्चों का जन्मदिन होता है, उस रोज़ हम विद्यालय में वृक्षारोपण कर उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। तो आज यहाँ हमारे यहाँ पर विद्यालय के अतिथि शिक्षक मयंक गोस्वामी का जन्मदिन था और उनका जन्मदिन आज यहाँ पर हमने विद्यालय में वृक्षारोपण कर मनाया, और इसीलिए यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया और मयंक गोस्वामी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित की गई। कानवन से विशाल राव निकम की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।